हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो में हम वाटर कलर स्टिल लाइफ करेंगे। आप मेरे राइट साइड में देख सकते हैं जो ऑब्जेक्ट मैंने कंपोजिशन में रखे हुए हैं। एक बोल में मैंने कुछ नींबू और एक कांच की बॉटल भी रखी है। सो हम इसकी ड्राइंग कर रहे हैं। ड्राइंग के लिए मैं बेसिक जो शेप्स है उसको यूज़ कर रहा हूँ। वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें, कमेंट जरूर करें कोई भी आपके क्वेश्चंस हो। थोड़ा ऑरेंज का शेड भी लगाएंगे इस पर, क्योंकि रिफ्लेक्शन भी दिखता है कांच की। जो भी अगर हम कोई भी चीज़ लेते हैं तो उसमें अगर वो ट्रांसपेरेंट है तो उसके अंदर जो चीज़ें होंगी वो दिखती हैं बाहर। अब यहाँ पर मैं वेरिडिन ग्रीन यूज़ कर रहा हूँ उसके शेडो के लिए। ये सब हमारे फर्स्ट टोन ही है, हम अभी फर्स्ट टोन पे ही काम कर रहे हैं। बॉटल के शेडो के लिए मैं यहाँ पे पर्सिन ब्लू प्लस स्कारलेट यूज कर रहा हूँ। और जो एक पीस बाहर रखा हुआ है उसके लिए मैंने इंडियन येलो कलर यूज किया है। अब मैं जो सेकेंड टोन में अप्लाई कर रहा हूँ नींबू पे, वो ऑरेंज का है, लाइट ऑरेंज कलर। थोड़ा सा स्कारलेट को और डार्क कर लेंगे जो पेपर है। वाटर कलर में हमेशा हम ये ध्यान रखेंगे कि हम धीरे धीरे शेड्स को बढ़ाते जाना है। हम पहले ही सब्जेक्ट पे डार्क कलर नहीं अप्लाई कर देंगे, थोड़े रिफ्लेक्शन के लिए यहाँ पे भी।
बोल रखा है उसमें भी हम अपने डार्क टोन बढ़ाने जा रहे हैं। इसके डार्क टोन के लिए मैं पर्सिन ब्लू यूज़ कर रहा हूँ अभी सेकेंड टोन में। और अब थोड़ा सा मैंने यहाँ पे ऑरेंज प्लस स्कारलेट का शेड बढ़ाया है। और डिटेल भी करता जा रहा हूँ, आप देख सकते हैं थोड़े से हमने शेड्स यहाँ पे भी बढ़ाए हैं शेडो में रेड एंड ग्रीन के। अब देख सकते हैं मैं धीरे धीरे ही डार्क की तरफ बढ़ रहा हूँ। तो ऐसे ही हमें इस टेक्निक को फॉलो करना चाहिए वाटर कलर में। वाटर कलर का यही बेसिक रूल है, सभी जितने भी आर्टिस्ट यूज़ करते हैं वाटर कलर को वो इसी चीज़ को फॉलो करते हैं। अब मैं अपने बॉटल पे भी शेड्स बढ़ा रहा हूँ और जैसी ज़रूरत है मुझे मैं वैसे ब्रश को भी चेंज कर रहा हूँ। मुझे थोड़े पतले ब्रश की ज़रूरत थी तो मैंने पतला ब्रश ले लिया है। आप भी अपनी ज़रूरत के हिसाब से ही ब्रशेस को चेंज भी करते रहेंगे। अब धीरे धीरे मैं पर्सिन ब्लू के डार्क टोन और बढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा डार्क है। आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे ये हमारा जो डिटेल का एरिया है, जो डिटेल हम करते जा रहे हैं, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट है वो बहुत अच्छे से क्लियर होता जा रहा है। उसमें उसके जो 3D इफेक्ट्स है वो आते जा रहे हैं। ऑरेंज का मैं एक और शेड लगा रहा हूँ नींबू पे। थोड़े से कहीं कहीं डार्क टोन हम शेडो पे भी लगाएंगे। आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे ये हमारा स्टिल लाइफ कंपोजिशन कंप्लीट होता जा रहा है। और जो भी हमें जहाँ जहाँ ज़रूरत लगेगी आउटलाइनिंग और थोड़े से डार्क टोन के, मैं उसको भी कंप्लीट करता जा रहा हूँ। धीरे धीरे ये हमारा स्टिल लाइफ कंपोजिशन कंप्लीट होता रहा है। और अब हम अपने फाइनल डिटेल की तरफ बढ़ेंगे, जो एकदम हमारा जो सबसे ज़्यादा डार्क पॉइंट होगा उसके लिए मैं स्कारलेट प्लस ब्लैक कलर को यूज़ करूँगा। और हमारे जो बारीक डिटेल्स हैं डार्क पॉइंट, उनको मैं पतले ब्रश से ही डिटेल करता रहा हूँ। और आप देख रहे हैं कि ये धीरे धीरे जो जो मुझे जहाँ डार्क टोन चाहिए मैं वहाँ पर उसको अप्लाई करता जा रहा हूँ।
अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसे और भी स्टिल लाइफ, वाटर कलर और कंपोजिशन के वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं। और भी स्पेशल कंटेंट लाइक डिफरेंट मीडियम्स के भी वीडियोस अवेलेबल हैं, आप उन्हें जाके देख सकते हैं। ऊपर कार्ड पे मैंने अपने वीडियोस के लिंक दिए हुए हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे वीडियोस के लिंक है, आप वहाँ से भी उन्हें देख सकते हैं। आपको किसी स्पेशल टॉपिक पे कोई कंटेंट मेरे से पूछना है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।